कक्षा 12 के बच्चों को आज हम भूगोल विषय में दूसरा चैप्टर से में हम जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि क्या चीज है। वैसे तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि आप जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आज इस विश्व की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि सन 1950 में विश्व की जब जनगणना हुई तो 1950 में विश्व की कुल जनसंख्या जो थी 251 करोड़ थी। पुनः 1975 में जब जनगणना की गई तो विश्व की कुल जनसंख्या जो है बढ़ करके 386 करोड़ हो गई। कहने का मेरा आशय यह है कि इस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो पूरे राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर क्या बीतेगा। हमको, आने वाली भावी पीढ़ी को ये सोचना होगा, समझना होगा कि जनसंख्या पर हम कंट्रोल जरूर करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको बख्शेगी नहीं, गाली भी दे सकती है कि हाय हमारे पूर्वज ऐसे थे। कहने का मेरा भाव यह है, आशा यह है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चीन ऐसे जो देश है जहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी हमने आपको जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है और शिक्षित लोग हैं, आज भी विश्व में लोग अशिक्षा पाए हैं, अशिक्षित हैं, धार्मिक अंधविश्वासों से जुड़े हुए हैं, कम उम्र में आज भी लोग, कुछ ऐसे भी देश और राष्ट्र है जहाँ पर जो है कम ही उम्र में जो है लोग अपना जो है बेटियों को शादी कर देते हैं। आप जानते भी हैं, जापान है, रूस है, फ्रांस है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, चीन है, ऐसे सब देश है आज भी लोग कम उम्र में भी आज भी वहाँ के लोग शादी कर रहे हैं। तो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि से जो कारण है, जो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, जनसंख्या वृद्धि जब होगी तो समस्या आएगी। जनसंख्या वृद्धि का कारण जब होगा, एक ये भी कारण एक आता है, जलवायु भी एक डिफेंड करता है कि जहां की जलवायु गर्म जलवायु है, जैसे मान लो हमने बताया कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है दक्षिणी अफ्रीका है, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रेट है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, वहां पर
12 और 13 वर्ष के उम्र में लोग जो है वहाँ के बच्चे जो है एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उस उम्र में तो जनसंख्या कारण कई तरह से बढ़ रही है, तो हम यही कहेंगे कि बढ़ने के बजाय जब हम समस्या पर जब हम चलते हैं तो इसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या विश्व में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या है, आइए आपको हम बता रहे हैं। पहला है खाद्य पदार्थों की समस्या। देखो बच्चों, जब देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थों की समस्या होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण में एक जन्म दर भी है। आज देखिए तमाम टीकाकरण दवाइयां, शिशु माँ के गर्भ में पल रहा है तभी से उसका जो है दवाई शुरू हो जा रही है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी तो समस्या होगी निश्चित है। खाद्य पदार्थों की समस्या, खाने पीने का समस्या उत्पन्न हो जाएगी, भरपेट हमको भोजन नहीं मिल पाएगा, हमारे खाद्यान्त में कमी आ जाएगा, हम भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे और हमारा प्रति व्यक्ति का आय जो है कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति की आय कम भी हो जाएगी, हम आगे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। दूसरा है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी का मतलब यह है कि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रहे, आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो संसाधन है वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है और वो उपहार को हम अपने स्वविवेक के द्वारा उन संसाधनों का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित है कि वह संसाधन हमारा सीमित है, संसाधनों का भंडार है वह सीमित है, वह कभी न कभी किसी समय वह समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमें विवेकपूर्ण संसाधनों का उपयोग करना होगा। यह भी एक समस्या देश के सामने राष्ट्र के सामने आ सकती है। तापमान में वृद्धि, अभी हम बता रहे थे तापमान में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज हमारा टेम्परेचर तापमान वायुमंडल में इतना बढ़ रहा है जिसे हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा जो है वायुमंडल शुद्ध नहीं है, हम प्राकृतिक तथ्यों के साथ हम छेड़छाड़ भी करते हैं तो हमारा पर्यावरण निश्चित है विनाश के कगार पर हो जाएगा और तापमान में हमेशा वृद्धि होगी, ये भी एक समस्या है। आवासीय क्षेत्रों का विस्तार, ये बताइए बच्चों इस चैप्टर को आपको इंटर में इसलिए रखा गया है कि इंटर के बच्चों को यह बताया जा
यह समझाया जा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उन बच्चों को जानकारी दिया जाए कि आवास क्षेत्रों की जब जनसंख्या बढ़ेगी, 2, 4, 10 बच्चे होंगे, क्या होगा? घर बनाना पड़ेगा ना, उनकी मकान की आवश्यकता होगी ना, बोलो। निश्चित है कि उनकी रहने का जरूर चाहिए। जब रहने का मकान चाहिए और भूमि भी क्या है, एक प्राकृतिक निःशुल्क उपहार है, भूमि भी एक सीमित है। भूमि नहीं बढ़ रहा है, भूमि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो भूमि भी एक सीमित है। जब सीमित है, जब भूमि नहीं बढ़ रहा है और जनसंख्या ही बढ़ रही है, तो ये बताओ कहाँ से मकाना बनवाओगे? ये संभव है? नहीं है। तो ये की भी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या। आज देख रहे हैं कि पूरे के पूरे लोग आज जो है बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है। कहीं बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज एक ऐसे युवक हैं जो बंदूक लेकर के चौराहे पर खड़े हो जा रहे हैं और अपने रिवॉल्वर निकाल रहे हैं और ढिसिंग ढिसिंग कर दे रहे हैं और पैसा छीन कर लेकर के भाग जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये जनसंख्या वृद्धि का कारण ही है, एक समस्या है लोगों के अंदर। ये बताइए, बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो एक दूसरे के लोग कत्ल करेंगे, उसकी जमीन हड़पेंगे, उसका पैसा लूटेंगे, ये क्या? निश्चित है पारिस्थितिकीय असंतुलन। अभी हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि हमारे पारिस्थितिकी संतुलन, जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, जिसका अस्तित्व भी आज समाप्त हो जा रहा है। अनेक जीव जंतुओं का पलायन हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहे हैं। हमारा पर्यावरण प्रदूषण जो है समाप्त होता जा रहा है, हमारी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ती जा रही है, हम अनेक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं, यही भी एक समस्या है। राजनीतिक स्थिरता, आप जानते हैं बच्चों, आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई कर रहा है, अपनी सीमा के, हमारे सीमा के अंदर आप मत न्याय में, आज बॉर्डर की लड़ाई हो रही है, सीमा की लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है? उसमें खून खराबा, युद्ध हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ये राजनीतिक अस्थिरता है। तो इस तरह की जो समस्याएं जो है बढ़ती जा रही है, एक आपका और है एड्स महामारी का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि से आज एड्स महामारी ऐसे नौजवानों में आज ऐसे रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास, विश्व के पास उतना सुलभ साधन नहीं है जो कि इतनी इसकी व्यवस्था की जाए, और अनेकों रोगों से वह ग्रसित होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज विश्व में जनसंख्या वृद्धि क्या चीज है और विश्व में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या है, इस पर हमने जो है आप लोगों को चर्चा किया हूँ। आप इसको लिख लेंगे, एक नोट बना लेंगे और इन हेडिंगों को आप, जैसे मैं इन हेडिंग को हमने डील किया हूँ, वैसे आप लोग इन हेडिंग के बारे में लिख लेना सही तरीके से, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
या क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको जो है याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, साफ सुथरा अपना नोट बना लेना, लिख लेना। आज हम बस वृद्धि कारण और समस्याओं से उत्पन्न पचाचा क्या हूँ, फिर हम आपको अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का क्या समाधान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।